आम आदमी पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष के पद से विधायक सुखपाल सिंह खैरा को हटाने से पंजाब की सियासत गर्मा गई है। लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख व लुधियाना से एमएलए सिमरजीत सिंह बैंस ने खैरा को हटाने की कार्रवाई को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का तानाशाही भरा रवैया करार दिया है और कहा कि केजरीवाल ने खैरा को पंजाब कांग्रेस के कहने पर 2019 के गुप्त समझौते के तहत हटाया है। वह खैरा को ईमानदारी व सच्चाई की सजा दी गई है। सुखपाल खैरा होरां नूं विधानसभा के विरोधी धिर लीडर तो आम आदमी पार्टी वालों हटाना मैं समझदा कि एक उन्हां नूं सच बोलण दी ते ईमानदारी नाल कम करन दी इनाम ते सजा यह मिली है, सिला मिलिया उन्हां नूं। जदों इहनूं चंगी तरह आपां पोस्टमार्टम करदे आं ते अकाली दल बीजेपी ते कांग्रेस तिन्नों पार्टियां इह चाहुंदियां सी कि सुखपाल खैरा नूं किसे ना किसे तरीके विरोधी धिर दे कुर्सी तो परे कीता जावे, विरोधी धिर लीडर दी कुर्सी तो परे कीता जावे। सो अपने ओ मकसद दे विच कामयाब हो गए, पर आम आदमी पार्टी दी मैं तुहानू असलियत दसदा कि यह फैसला क्यों लिया गया आम आदमी पार्टी वालों। आम आदमी पार्टी दा कांग्रेस दे नाल 2019 लोक सभा इलैक्शन आपस दे विच गठजोड़ करके लड़ना तय, ते कांग्रेस पंजाब दे लीडरां दी प्रधान पंजाब दे कांग्रेस ते हाईकमांड पंजाब कांग्रेस दी अपनी राहुल गांधी ते हाईकमांड नूं एक शर्त सी, कंडीशन ओह शर्त ते कंडीशन सी कि तुसी आम आदमी पार्टी नाल 2019 लोक सभा दा अलायंस कर लो, पर पहली शर्त पंजाब कांग्रेस दी सी कि तुसी सुखपाल खैरा नूं विरोधी धिर दे कुर्सी तों परे करोगे। आम आदमी पार्टी ने पहली ओ जिहड़ी कंडीशन पंजाब कांग्रेस दी सीगी, पंजाब कांग्रेस दे लीडरां दी सी, ते ओह अज प्रवान होई आ। इट मीन जिहड़ा आम आदमी पार्टी दा कांग्रेस दे नाल 2019 लोक सभा लड़न दा अलायंस आ, ओह पहली शर्त सी ते अज ओह कंडीशन क्लीयर हो गई, साफ हो गया। ते अज केजरीवाल साहब जिहड़े राजनीति नूं तब्दील करन वास्ते आए सी, जिहड़े कहिंदे हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति को बदली करने के लिए आए हैं, तब्दील करने के लिए आए हैं, तो अज ऐं लगदा कि केजरीवाल साहब वर्गा कोई राजनीतिक बंदा ही है नहीं गा। मतलब इन्ना रौला तां बादलां दे लफाफे दा नहीं सी पैंदा। बहुत सारे पत्रकारां ने मैनूं इह गल दस्सी है वी जदों असीं आम आदमी पार्टी दे MLAs नूं फोन कीता वी सुखपाल खैरा नूं विरोधी धिर दे लीडर दी कुर्सी तों हटा के उहदी जगह चीमा ला दित्ता गया, ते 2-3 MLAs नूं छड्ड के बाकी सारे MLAs ने इस गल ते अणजाणता प्रगट कीती है कि सानू पता ही नहीं गा। मतलब कि दिल्ली दी हाईकमान डिक्टेटरशिप केजरीवाल ने लफाफा बना के भेजा कि सुखपाल खैरा आउट ते चीमा इन। एदू वड्डी डिक्टेटरशिप की हो सकती है? सुखपाल खैरा दा अहुदे तो हटना, केजरीवाल दा डिक्टेटरशिप रवैया, पहला छोटेपुर उस तो बाद होर बहुत सारियां गल्लां घटनावां, ते अज सुखपाल खैरा जिहड़े मैं समझदा कि सच बोल के इमानदारी दे नाल अपोजिशन लीडर की भूमिका निभाई है। जदों मैं इस गल की तुलना 10 साल कांग्रेस अपोजिशन दे विच रही अकाली बीजेपी गवर्नमेंट वेले, 10 साल की अपोजिशन अकाली दल ते बीजेपी की कांग्रेस ने की, बनाम चंद महीने सुखपाल खैरा की अपोजिशन ते जमीन आसमान का फर्क है। गोल्डन इतिहास हिस्टरी लिख के गए सुखपाल खैरा, दस के गए आ कि सच्चाई दे रस्ते ते चल के इमानदारी नाल अपोजिशन दी जिहड़ी भूमिका उह किवें निभाई जांदी है। सो अज केजरीवाल साहब दा जिहड़ा चेहरा सी उह स्पष्ट हो गया, पंजाबी लोग केजरीवाल साहब दी डिक्टेटरशिप नूं कदे भी प्रवान नहीं करनगे। पंजाबी कौम ऐसी कौम हैगी जिहड़ी सूरवीरां दी कौम है, किसे दी अधीनगी पसंद नहीं। डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल तुसीं सुखपाल खैरा दे विच कोई गलती तां कड्ढो ना, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਕੱਟੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ
ਗੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ। ਜਾਗਤੀ ਲੜਕੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ।